क्योंकि ये कुर्बानी का महीना है और कुर्बानी का, तो मैं यही कहना चाहता हूँ लोगों को, सभी लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें भी कुर्बानी देना होगा सच्चाई के लिए और सही रास्ते पे रहने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग सच्चाई जानते हैं लेकिन सच्चाई जानने के बाद भी, और जानते हैं कि ये भलाई का रास्ता है, ये सही रास्ता है, लेकिन कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कोई पैसा का फ़ायदे के लिए, कोई कुछ और फ़ायदे के लिए, कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कोई ज़मीन जायदाद के लिए, वो क्या करते हैं, गलत रास्ते को चुन लेते। तो मैं कहता हूं कि ये चीज़ गलत करते वो लोग। अगर आप कुर्बानी देंगे अपने इन ख्वाहिशात को, इन चीज़ों की कुर्बानी दीजिएगा, तब और आप सही रास्ते पे रहिएगा, एक ईश्वर को मानिएगा, उसके अलावा किसी और को नहीं मानिएगा, तो ये आपको कामयाबी देगी इस दुनिया में भी और आपके मरने के बाद वाले आने वाले दुनिया में भी आपके लिए एक कामयाबी का रास्ता होगा। वरना हम लोग क्या करते हैं कि अपने एक फ़ायदे के लिए बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देते हैं, अपने एक फ़ायदे को हम लोग देखते हैं और बहुत सारे लोगों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं। उस चीज़ को हमको नहीं फॉलो करना होगा, हमको कुर्बानी देना होगा, और जो अच्छे लोग हैं उन लोगों को भी खास करके कुर्बानी देना होगा, क्योंकि वो लोग जब शांत हो जाते हैं तो क्या होता है कि बुराई और बढ़ती है, तो उन लोगों को भी अच्छाई से बढ़ करके कुर्बानी देना होगा, अपने टाइम का, अपने पैसे का, ताकि दुनिया में अमन और शांति फैल सके। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि बकरीद है तो बकरीद मुबारक हो, और तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, कि अल्लाह कबूल करे आप से भी और हम सब से भी हमारे इस कुर्बानी।